राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सेक्टर 4 स्थित कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई करने पहुंचे थे, जहां बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित हुए 19 गांव के विस्थापितों ने मंत्री के समक्ष इन गांव को पंचायत में शामिल नहीं करने का विरोध जताया। इसके बाद मंत्री से बातचीत के दौरान एक विस्थापित को कांग्रेसियों ने मोबाइल में वीडियो बनाने की वजह से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद विस्थापितों ने जमकर मंत्री जी के समक्ष हंगामा किया और कांग्रेस के इस हरकत पर विरोध जताया। इसके बाद बाहर निकले विस्थापितों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जिस प्रकार से आज विस्थापितों के साथ कांग्रेस के कार्यालय में धक्का मुक्की हुई है, उसी तरह विस्थापित क्षेत्र में भी कांग्रेसियों को धक्का देकर बाहर निकालने का काम किया जाएगा। विस्थापितों ने कहा कि हम 2 साल से ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष 19 गांव को विस्थापित पंचायत में शामिल कराने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद भी इन गांवों को पंचायत में शामिल नहीं किया गया। हम सिर्फ विधायक सांसद चुनते हैं, हमारे विस्थापित गांव को पंचायत में शामिल नहीं होने के कारण विकास से कोसों दूर रखा जाता है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विस्थापितों की समस्या जायज है, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है, कुछ टेक्निकल कारणों के कारण इन गांवों को पंचायत में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस एक परिवार है, कुछ लोग अपनी बातों को रख रहे थे, इसी दौरान कुछ बातें हुई, बाहर क्या हुआ उसकी जानकारी हमें नहीं है। हम लोग पिछले 2 साल से, और 2 साल ही छोड़िए, हमारे पूर्वजों ने पिछले 60 वर्षों पूर्व बोकारो स्टील प्लांट को बनाने के लिए जमीन दी, अपनी छाती में प्लांट बनाया ताकि विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि हमारा विनाश ही हो चुका है। हमारा जो है पंचायत चुनाव, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उससे हमें अलग रखा गया है। इसी मामले को लेकर हम लोग पिछले 2 साल 3 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, और हम लोगों में उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है हमारी पंचायत चुनाव जो समस्या है, काफी गंभीर समस्या है, इसको समाधान करेगी। लेकिन हम लोग पिछले 2-3 बार मंत्री से भी मिले, हमारे आलमगीर आलम साहब से, बोकारो जिला प्रशासन से भी मिले, लेकिन अभी पंचायत का नोटिफिकेशन हो गया, हम लोगों को शामिल नहीं किया गया। इससे हम लोगों के अंदर काफी आक्रोश है और पूरे क्षेत्र में आक्रोश है, और हम लोग जो है, हम लोगों ने ठाना है कि इस बार अगर हम लोगों को पंचायत में शामिल नहीं किया गया है, तो हम लोग आने वाले समय में MP और MLA चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और जिस तरीके से आज हमारे मंत्री महोदय से मिलने के लिए आए थे, हम विस्थापितों के साथ बदसलूकी की गई है, धकेल के बाहर निकाला गया है। हम चेताना चाह रहे हैं मंत्री और कांग्रेस के साथियों से, कांग्रेस के नेताओं को बोलना चाह रहे हैं कि हमें जिस तरह ढकेला गया है ना, हम भी विस्थापित क्षेत्र आइए, हम लोग भी ढकेल के निकाल लें। वहाँ पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो संसद चुनाव चुन लेते हैं, वहाँ विधायक का चुनाव होता है तो विधायक चुन लेते हैं, लेकिन वो पंचायत का प्रतिनिधि नहीं चुन पाते हैं। तो जो ग्रामीण व्यवस्था है, पंचायत को जो दिया है, शक्ति दिया है, रोड नाला प्रधानमंत्री आवास से लेकर और सारी वो चीज़, वो उनको नहीं हो पा रहा है, तो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की। विस्थापितों ने कुछ आक्रोश भी दिखाया, आप लोगों ने कुछ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी किया। देखिए वो लोग आपस में, हमसे कोई नाराजगी नहीं, हम तो खुद उन लोग को बोले, आप लोग जब से शुरू किए हमने कागज मंगाए, वो लोग स्वीकार किया, तो 6 महीना 7 महीना के पहले की बात है। वो लोग फोटो वोटो ले रहे, किसी कोई चाह रहा थे फोटो ले, कोई बोल रहे फोटो नहीं। देखिए ये परिवार है, कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, हर तरह के लोग होते हैं, क्योंकि किसी का बोलने का शैली बहुत अच्छा होते हैं, बहुत तरीक़ा से बोलते हैं, विनम्रता से साथ बोलते हैं, कोई थोड़ा ऊंचा आवाज से बोलते हैं, तो वही होता है। बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी, ये हमको जानकारी नहीं है। इंडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए बोकारो से जय सिन्हा की रिपोर्ट।